अब हम सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ के लिए निकालना चाहते हैं एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड के लिए। अब इंडक्टेंस पूरे इन्फाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड का एक साथ इंडक्टेंस नहीं निकल सकता, पर यूनिट लेंथ पे ही हमें निकालना पड़ेगा। पर यूनिट लेंथ की क्वांटिटीज हम ट्रांसमिशन लाइंस में भी फाइंड आउट करते हैं, जहाँ पर इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस हम पर यूनिट लेंथ का ही निकालते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी ऑलमोस्ट ट्रांसमिशन लाइन इन्फाइनाइट लेंथ की होती है, जैसे कि 200 किलोमीटर्स, 300 किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर्स ऐसी होती है। इसलिए वहाँ पर सारे पैरामीटर्स जो होते हैं, वो सारे कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं, वो पर यूनिट लेंथ के ही फाइंड आउट करना पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पर इन्फाइनेटली लॉन्ग सोलेनोइड है, तो मैं इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ का फाइंड करके बताती हूँ। अब पर यूनिट लेंथ का इंडक्टेंस निकालना है, मतलब फ्लक्स डेंसिटी भी मुझे पर यूनिट लेंथ की लेनी पड़ेगी, फ्लक्स भी पर यूनिट लेंथ का, फ्लक्स लिंकेजेस भी पर यूनिट लेंथ का, और वही अल्टीमेटली मुझे पर यूनिट लेंथ के लिए इंडक्टेंस निकाल के देगा। तो फ्लक्स डेंसिटी अगर बी है और उसे मैं म्यू एच से डिफाइन करूं, जो कि होता ही है, तो मैं इसे म्यू आई एन ले लेती हूँ, और एन जो है वो पर यूनिट लेंथ के नंबर ऑफ टर्न्स है, क्योंकि पूरी सोलेनोइड जो है वो तो इनफाइनाइट लेंथ की है। ये प्लस इन्फिनिटी में है, ये माइनस इन्फिनिटी में, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है हम पर यूनिट लेंथ के निकाल सकते हैं। तो स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स फॉर पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे अगर छोटा सा 1 मीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे, तो वो मैं 1 मीटर के नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन एल लूंगी, तो वो स्मॉल एन क्वांटिटी हो जाएगी। तो इसे मैं कह सकती हूँ नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, ये मीनिंग है इसका। ठीक है, अब फ्लक्स अगर फाइंड करना है तो वो बी इंटू एस ही होगा, और नेचुरली बी यहाँ पर मैं म्यू, मतलब पर यूनिट लेंथ के लिए निकल रहा है, तो म्यू आई एन इंटू एस ऐसा ये बी फाइंड आउट हो रहा है। और साथ साथ अगर मैं फ्लक्स लिंकेजेस फाइंड आउट करने जाऊं, तो पर यूनिट लेंथ के फ्लक्स लिंकेजेस जो होते हैं वो एन इंटू फाई ऐसा, क्योंकि ये एन जो है ये पर यूनिट लेंथ के नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के और इंटू फ्लक्स इसमें लिंक होने वाला ये है, तो नेचुरली मुझे जो फ्लक्स लिंकेज मिल रहा है वो भी पर यूनिट लेंथ का ही मिल रहा है। तो ये म्यू एन स्क्वायर आई एस ऐसा ऐसी क्वांटिटी हो जाएगी, फ्लक्स लिंकेजेस फॉर पर यूनिट लेंथ। इसके पहले लेमडा जो मैं लेती थी वो कंप्लीट फ्लक्स लिंकेजेस होते थे, टोटल फ्लक्स लिंकेजेस होते थे, यहाँ पर यूनिट लेंथ से डील कर रहे हैं, इसलिए लेमडा डैश ले रहे हैं। अब अगर मुझे पर यूनिट लेंथ का इंडक्टेंस निकालना है, तो वो मैं एल डैश, जो कि एल अपॉन स्मॉल एल है लेंथ, और इसे मैं लेमडा डैश अपॉन एल से भी डिफाइन कर सकती हूँ, और सीधे सीधे आप इसी से ये पर यूनिट लेंथ का फ्लक्स लिंकेज है डिवाइडेड बाय आई करते हैं, तो आपको पर यूनिट लेंथ का इंडक्टेंस मिल जाएगा। तो सीधे सीधे म्यू आई एन स्क्वायर अपॉन एस अपॉन आई ले रहे हैं, क्योंकि मुझे लेमडा डैश डिवाइडेड बाय आई करना है, सॉरी ये एल लिखा हुआ है, आई करना है, तो जो मुझे एल डैश दे देगा पर यूनिट लेंथ का इंडक्टेंस। तो फाइनली जो इंडक्टेंस मिलेगा वो म्यू एन स्क्वायर एस इतना इंडक्टेंस मिलेगा, जिसकी यूनिट होगी हेनरी पर मीटर, मतलब इंडक्टेंस पर मीटर होगा ये।